राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीखों का ऐलान हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। पीएम के अयोध्या आने का इंतजार केवल साधु संत ही नहीं बल्कि रामनगरी के निवासी और सभी धर्मों के लोग पलकी बिछाए कर रहे हैं। सभी का मानना है कि रामनगरी में भव्य मंदिर निर्माण से यहां का विकास होगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वर्षों के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर निर्माण की घड़ी नजदीक आ रही है, तो अयोध्या के सभी धर्मों के लोग उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमेशा राम मंदिर का समर्थन करने और राम काज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले बबलू खान कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग उत्साहित हैं। अपने समाज को लेकर, मुस्लिम समाज को लेकर के मैंने राम मंदिर का मुहिम कई वर्षों से जो चलाया था, देख लीजिए आज उसका फैसला भी आया और आज वो भी दिन आ गया है कि जो 5 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या की धरती पर आ रहे हैं और हम सब मुस्लिम समाज के लोग इतना उत्साहित हैं उनका स्वागत करने के लिए। और हम लोग जैसे ही शिला पूजन हो जाएगा, और मैंने जो पहले कहा था कि हम लाखों मुस्लिम को लेकर के राम मंदिर निर्माण में कार्य सेवा करूँगा, तो आज हमारा मुस्लिम समाज देश के कोने कोने से, अयोध्या का तो मुस्लिम हमारा तैयार ही है, अब तो देश के कोने कोने से भी मुस्लिम हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से राम को पूरा दुनिया जानता है, उसी तरह से राम मंदिर का निर्माण इतने भव्यता से होना चाहिए कि विश्व में एक ही मंदिर होना चाहिए, इतने भव्यता से होना चाहिए कि जो राम लला जहाँ विराजमान है वहाँ पे कुछ आतंकवादी भी आए थे और कुछ संगठन ने मेरे परिवार को भी जान से उड़ाने की धमकी दी थी, तो मैं कहना चाहता हूँ उस संगठन को और वो संगठन जिन्होंने राम जहाँ रामलला विराजमान है उड़ाने के लिए जो गिरनट लेकर आए थे, गिरनट तो वैसे ही रहा लेकिन वो फूट गए। दूसरी ओर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी पीएम मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे और राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद से ही साधु संतों, राम भक्तों के साथ साथ हमारी भी यही इच्छा है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आवेंगे तो अयोध्या का ये गौरव भी बढ़ेगा, जो लोग जो है मांग कर रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आवें, हम भी करेंगे उनका स्वागत। हम ये चाहते हैं कि ये देश में एक ऐसा विवाद था मंदिर मस्जिद का, वो 9 नवंबर को ख़त्म हो चुका है। अब इस पर राजनीति करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, अब निर्माण चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी आवें और इसका शिलान्यास करें और मंदिर का काम शुरू हो। रहा दौर कोरोना का, कोरोना तो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, तो उससे भी निपटने के लिए सरकार के पास तमाम सिस्टम बने हुए हैं कि सरकार जब चाहेगी, अच्छा सरकार चाह रही है, कोरोना के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए। हमको भी 5 एकड़ ज़मीन मिली है, हमने बहुत पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि 5 एकड़ ज़मीन में हॉस्पिटल की ज़रूरत, अगर सरकार को ज़मीन की है तो वो 5 एकड़ में अस्पताल ही बना दे, स्कूल ही बना दे। हम यही मांग भी करेंगे प्रधानमंत्री, जो करते चले आए हैं, क्योंकि इस ज़रूरत आज हमको हॉस्पिटल की है, स्कूल की है, शिक्षा भी मिलेगी, रोज़गार भी मिलेगा। पीएम कार्यालय से राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख के ऐलान के बाद देश भर के लोगों में खुशी की लहर है, तो वहीं अयोध्या वासियों का मानना है कि जल्द से जल्द अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो। मंदिर निर्माण के बाद ही अयोध्या का विकास संभव है। पंजाब केसरी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।